hi friends welcome to today's session so in this session we are going to discuss we are going to continue our discussion on principle and practices of banking one liner part 3 mm -hmm. so already i have provided you uh, two part of this one liner and this is our uh, part 3 lecture so let's begin our discussion our methodology will remain the same that first of all we will see the uh, mcq portion and then after we will see the now, first of all, we will have the MCQ and the concept, and then we will see the MCQ. So, let's begin. The first point is uh, let me zoom it first so that uh, you can see it clearly. Let me zoom it. ओके सो नाउ आई थिंक इट इज विजिबल नाउ क्लियरली विजिबल टू यू ओके सो फाइन सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन द फर्स्ट पॉइंट इज बैंक मस्ट स्पेसिफाई लोन डिस्पोजल टाइमलाइन फॉर लोन अप टू टू लैख सो फॉर लोन अप टू टू लैख बैंक मस्ट स्पेसिफाई लोन डिस्पोजल टाइमलाइन सो दिस इज रिगार्डिंग मॉड्यूल बी एज यू कैन सी रिजेक्टेड लोन एप्लीकेशन अंडर रुपीज टू लैख रिक्वायर रिटर्न रिटर्न एक्सप्लानशन यानी दो लाख तक के कम का यदि लोन आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न एक्सप्लान की जरूरत होती है फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि लिक्विडिटी एक बैंक फंड अवेलेबिलिटी फॉर लैंडिंग लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि बैंक का कितना फंड जो है लैंडिंग के लिए अवेलेबल है वर्किंग कैपिटल लोन जो है डेली बिजनेस ऑपरेशन को क्या करता है दोस्तों सपोर्ट करता है सो वर्किंग कैपिटल लोन सपोर्ट डेली बिजनेस ऑपरेशन द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फॉर्मला याद रख लीजिए इन्वेंट्री प्लस अकाउंट रिसेबल माइनस अकाउंट पेएबल सो प्लीज रिमेंबर द फॉर्मुला ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दिस इज नथिंग बट इन्वेंट्री यू एड इट्री विथ अकाउंट रिसेबल and you subtract the account payable from it you will get working capital right so uh, this is the formula for working capital requirement now the next point is regarding term loans so let's see what is the point regarding term loans so you can see that uh, term loans uh, term loan involve a periodic payment over a fixed period in the term loan we have a periodic payment right over the fixed period peri payment over a fixed period Right and uh, w w what is the next point? The next point is regarding uh, working capital loan or short term loan. You know, working capital loan or short term loan, and term loan. term loan is a long term loan. This is the difference between working capital loan and term loan. Please remember this point. And the next point that we have is uh, is regarding adequate working capital adequate working capital is crucial for business survival obviously uh, you we should have adequate working capital for business survival business progress depend on sufficient working capital and shortage of working capital leads to input deficit while excess result in extra cost सो दिस आर द शॉट कमिंग्स दैट इफ यू हैव शॉटेज दें इट इट रिजल्ट इन इनपुट डेफिसट वैल एक्सिस रिजल्ट इन एक्स्ट्रा कॉस्ट सो दीज आर द पॉइंट्स नॉट लेट्स डू सम एम सी क्यूज बेस्ड ऑन दिस पॉइंट आइए दोस्तों इस पर हम लोग कुछ एम सी क्यूज कर लेते हैं तो फर्स्ट और एक और पॉइंट है फिक्स कैपिटल के अंदर लैंड और मशीनरी जैसे एसिड आते हैं एफेक्टिव ऑपरेशन फिक्स एसिड का इसके लिए आपको सफिशेंट वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है पहला सवाल है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है जिसके लिए बैंक जो है लोन डिस्पोजल टाइम लाइन को स्पेसिफाई करे तो मैंने आपको बताया था कि यह है दो लाख ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब रिटर्न एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है लोन मान लीजिए कि, कि किसी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया तो उस केस में कब रिटर्न एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो मैंने आपको बताया था कि जो लोन दो लाख तक का है उसमें रिटर्न एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है लिक्विडिटी क्या रिप्रेजेंट करता है तो लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करता है कि कितना फंड अवेलेबल है लैंडिंग के लिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट बिजनेस का कौन सा आस्पेक्ट है जहाँ पर वर्किंग कैपिट जो कि वर्किंग कैपिटल लोन प्राइमरली सपोर्ट करती है तो मैंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल लोन जो है डेली बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करती है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है क्या फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को निकालने का जो तरीका है उसमें इन्वेंट्री सबसे पहले लीजिए उसमें अकाउंट रिसेबल को जोड़िए और फिर अकाउंट पेबल को माइनस कीजिए किस तरह का लोन में पीरियडिक पेमेंट होता है ओवर अ फिक्स पीरियड वर्किंग कैपिटल लोन टर्म लोन मॉडगेज लोन तो मैंने आपको बताया था कि फिक्स पीरियड के लिए जो हमारा पीरियडिक पेमेंट होता है उसको हम लोग टर्म लोन कहते हैं ऑप्शन बी सही जवाब है क्या वर्किंग कैपिटल लोन शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है तो वर्किंग कैपिटल हमेशा शॉर्ट टर्म होता है टर्म लोन के बारे में पूछा जाए तो लॉन्ग टर्म होता है एडुकेट वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी है बिजनेस सर्वाइवल के लिए ऑप्शन ए कर रहा है कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है ऑप्शन बी कर रहा है कि टैक्स को कम करेगा ऑप्शन सी कर रहा है कि ये शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एक्सपेंस को कवर करेगा ऑप्शन डी कर रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करता है तो दोस्तों देखिए वर्किंग कैपिटल एडुकेट होना बहुत जरूरी है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए क्योंकि ये आपके शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल ऑपरेशनल एक्सपेंस को कवर करता है बिजनेस प्रोग्रेस किस चीज पे डिपेंड करता है मार्केट कंपटीशन पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे सफिशेंट वर्किंग कैपिटल पे बिल्कुल सही जवाब है सफिशेंट वर्किंग कैपिटल

देन यू नीट टू हैव सफिसंट वर्किंग कैपिटल सो ना लेट्स कंटिन्यू अवस डिस्कशन अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं वर्किंग कैपिटल जो है क्या कवर करता है वो पॉइंट जरा देखिये वर्किंग कैपिटल वाट डज इट कवर सो Uh, देखिए दोस्तों वर्किंग कैपिटल क्या क्या कवर करता है तो वर्किंग कैपिटल फॉलो अ साइकिलिक प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कैश तो वर्किंग कैपिटल एक साइकिलिक प्रोसेस को फॉलो करता है रॉ मटेरियल से लेके कैश तक इट फॉलो द साइकिलिक प्रोसेस ओके अब दोस्तों साइकिल ड्यूरेशन जो है वो इंडस्ट्रीज के क्रॉस और वेरी करता है और टाइप्स ऑफ गुड के क्रॉस भी वैरी करता है तो साइकिल ड्यूरेशन वैरीज अक्रॉस इंडस्ट्री एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ गुड्स ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट इंडस्ट्री का सभी इंडस्ट्री का अपना अलग अलग वर्किंग कैपिटल साइकिल स्पीड होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है ड्यूरेशन uh, बेस्ड पे डिफर करता है इट डिफर्स इन ड्यूरेशन बेस्ड ऑन गुड्स टाइप तो ड्यूरेशन वाइज अलग अलग होता है डिपेंड करता है कि गुड्स का टाइप क्या है जैसे कि सीजनल इंडस्ट्री है तो सीजनल इंडस्ट्री का फ्लक्चुएटिंग स्टॉक नीड होता है राइट right. आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे जो हमारे सीजनल इंडस्ट्रीज होते हैं इनका जो है अपना इन, इनका कैसा होता है दोस्तों फ्लक्चुएटिंग स्टॉक नीड होता है फंड को टाइड अप किया जाता है करंट एसेट में क्विकर साइकिल के कारण आपका टर्न बढ़ेगा आइए दोस्तों कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं इस पर जो भी कंसेप्ट मैंने अभी अभी आपको देखा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका सो लेट्स सी सम एम बेस्ड ऑन दिस सो द फर्स्ट पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल प्राइमरीली कवर करेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिज एंड फाइनेंसिंग नीड मार्केटिंग कंपनी इंप्लाइज सैलरी तो देखिए एक्सपेंसिंग एंड फाइनेंसिंग नीड को कवर करता है लॉन्ग टर्म कवर नहीं करता ऑप्शन भी सही जवाब है किस तरह के प्रोसेस में वर्किंग कैपिटल फॉलो करता है कौन सा प्रोसेस वर्किंग कैपिटल फॉलो करेगा लीनियर चाउटिक साइकिलिक स्टैटिक तो इस प्रोसेस इट 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 फॉलो अ साइकिलिक प्रोसेस दोस्तों जो हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है इसका जो ड्यूरेशन होता है वो इंडस्ट्रीज में कैसे वेरी करता है टाइप्स ऑफ गुड में कैसे वैरी करता है तो ये गवर्नमेंट रेगुलेशन पे डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट पर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा या कॉस्ट ऑफ मेटेरियल से इन्फ्लुएंस होता है या इंडस्ट्री और गुड्स के करेक्ट्रिस्टिक्स पे बेस्ड होता है ऑब्वियसली दोस्तों वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा गुड के कैरेक्टिस्टिक्स पर डिपेंड करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अलग इंडस्ट्रीज का सेम या वेरिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल स्पीड होता है बताइए सेम होता है वेरिंग होता है स्लोअर साइकिल होता है लार्ज इंडस्ट्री के लिए ऑप्शन डी का रहा है कि ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक क्लाइमेट पे तो दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्रीज का अलग अलग वर्किंग कैपिटल साइकिल स्पीड होता है प्लीज रिमेंबर दोस्तों नेक्स्ट कन्सेप्ट है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल साइकिल के ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं इंप्लॉय का सैलरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी गुड्स टाइप देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है गुड्स टाइप गुड्स टाइप एक ऐसा फैक्टर है जो कि ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग साइकिल कैपिटल साइकिल को इन्फ्फुल

कि करंट एसेट को टाइड अप किया जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल आपके पूछा जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो स्पीड है और टर्नओवर में क्या रिलेशन है फास्टर साइकिल के कारण लोअर टर्नओवर होगा क्विकर साइकिल के कारण हायर टर्न होगा दो अनरिलेटेड है स्लोअर साइकिल के कारण स्लो एक्सपेंस होगा देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है कि यदि आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो स्पीड है ज़्यादा होगा तो टर्न ओवर आपका ज़्यादा होगा आइए दोस्तों हम लोग कुछ कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं ले डिस्कस सम कंसेप्ट दोस्तों बताया जा रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो डील करता है किसे करंट एसेट से और लाइबिलिटीज से करंट लाइबिलिटी क्या होता है शॉर्ट टर्म होता है और उसे एक साल के अंदर रिफेबल किया जाता है करंट लाइबिलिटी को हम वर्किंग कैपिटल नीड को मीट करने के लिए यूज करते हैं और एसेट को एक्वायर करने के लिए यूज करते हैं करंट लाइबिलिटी जो है बिजनेस साइकिल के साथ अलाइंग होता है सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट ओके एंड वी विल डू सम्यूज ऑल्सो सो दैट द बिकम क्रिस्टल क्लियर टू यू सो so, आगे बढ़ते हैं दोस्तों लेट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स द मोर पॉइंट पॉइंट वी हैव सो नेक्स्ट इज बैंक दोस्तों बैंक के बारे में बताया जा रहा है कि बैंक जो है अलग होता है टोटल करंट लाइबिलिटी से जिसको हम लोग बैंक बोलते हैं अभी मैंने आपको सी के बारे में बताया शॉर्ट टर्म होता है राइट right. तो दोस्तों तो आपसे देखिए बैंक बोरइंग और करंट लाइबिलिटी में डिफरेंस होता है अब जैसे करंट एसेट जैसे कि लिक्विड एसेट होता है उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है ये पॉइंट को ध्यान रखिए अब दोस्तों फिर फिनिश गुड्स क्या होता है फिनिश गुड्स को आप एक साल के अंदर बेच सकते हैं यू कैन सेल द फिनिश गुड विद इन वन ईयर ट right. अब इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है रॉ मटेरियल आएगा वर्किंग प्रोग्रेस आएगा या फिनिश गुड्स आएगा inventory के अंदर रॉ मेटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स ये तीनों आता है प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट एंड यदि एसेट आपका एक्सेस है इस कारण से अननेसेसरी कॉस्ट आता है वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है कि आपका करंट एसेट ज्यादा हो गया तो यदि करंट एसेट सरप्लस है तो उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल गैप कहते हैं और करंट लाइबिलिटी जिसमें से आप बैंक बॉरोंग को माइनस कर लीजिए क्योंकि मैंने बोला था ना कि बैंक बॉरिइंग और टोटल करंट लाइबिलिटी में सेपरेट सेपरेशन होता है तो करंट लाइबिलिटी में से आप बैंक बॉरिंग को माइनस कर लीजिए तो ये आपका करंट एसेट का हिस्सा होता है ठीक है तो वो करंट एसेट का हिस्सा नहीं होता है वो करंट एसेट के एक हिस्से को फंडिंग करता है तो करंट लाइबिलिटी जो है इट फंड पार्ट ऑफ करंट एसेट एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग और जो रिमाइंडर होता है ना उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल गैप कर रहे हैं देखिए समझिए बात को आपको करंट एसेट को फंड करना है तो एक तो आप करंट लाइबिलिटी से ले लीजिए इसमें बैंक बोरोइंग को माइनस करके और कुछ जो फंडिंग होता है वो कहाँ से होता है डब्ल्यू से होता है यानी वर्किंग कैपिटल गैप से होता है और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट का सरप्लस होना ये हमारा क्या होता है वर्किंग कैपिटल गैप होता है राइट right. तो करंट एसेट सरप्लस क्यों है क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल गैप है तो सीए का दो पार्ट हो गया एक तो गया करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक बॉडोइंग और एक हो गया आपका डब्ल्यू यानी वर्किंग कैपिटल गैप ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच विच हेल्प यू इन दिस विच में न्यूमेरिकली पूछा जाता है इसमें हेल्प कर सकता है आपको तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्राइमरीली क्या इन्वॉल्व करता है लॉन्ग टर्म एसेट को मैनेज करना बिल्कुल गलत ये करंट एसेट और लाइबिलिटी से डील करता है बिल्कुल सही कितना टिपिकल रिपेमेंट पीरियड होता है करंट लाइबिलिटी का तो विद इन अ ईयर होता है एक साल के अंदर आपको रिपेमेंट करना है करंट लाइबिलिटी के लिए दोस्तों आपको यदि ए एफ एम और पी वी बी को फास्ट रिविजन करना है इफ यू नीड इफ यू वॉन्ट टू रिवाइज ए एफ एम एंड पी वी बी इन फ्लैश तो दोस्तों आपके लिए हम लेकर आए हैं कैप्सूल कोर्स यानी दोस्तों जो आप पीडीएफ देख रहे हैं इसमें वन लाइनर आपको कैप्सूल के फॉर्म में मिलेगा जिसको आप यदि गो थ्रू हो जाए थाउजेंड पॉइंट्स हैं देर आर थाउजेंड पॉइंट्स यदि आप इन थाउजेंड पॉइंट्स से गो थ्रू हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सबके सब पॉइंट कवर कर लेंगे और उसके बेसिस पे दोस्तों आपको मैं सभी एंड एमसीक्यू भी दूंगा ताकि आप यदि उसे उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें तो निश्चित रूप से आपका पीपीबी और एएफएम क्वालिफाइड है तो यदि आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर WhatsApp करें तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा कैप्सूल कोर्स को परचेज करने का आपको मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूं 40% का जिसका आप लाभ उठा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द ऑफ दीज मेटेरियल्स फॉर यूर प्रिपेरेशन नॉलेट्स मूव फॉरवर्ड सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी पर्पज़ क्या है करंट लाइबिलिटी का तो लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करना वर्किंग कैपिटल नीड को मीट करना एसेट को एक्वायर करना येस yes, बिल्कुल करेक्ट तो करंट लाइबिलिटी को का एक तो है कि हमारा एसेट एक्वायर करने के लिए होता है और दूसरा है कि वर्किंग कैपिटल की नीड्स को हम लोग मीट करते हैं करंट लाइबिलिटी किससे अलाइंग होता है बिजनेस के ओवरऑल डेप्ट से बिजनेस के रेवेन्यू से बिजनेस के साइकिल से तो ऑब्वियसली बिजनेस के साइकिल से ये अलाइंग होता है क्या बैंक बोरिंग को करंट टोटल करंट लाइबिलिटी का पार्ट मानते हैं बिल्कुल नहीं मानते मैंने आपको बोला था कि बैंक बोरिंग को एक्सक्लूड करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट एसेट का करेक्टरिस्टिक्स क्या है तो करंट एसेट का करेटरिस्टिक्स ये है कि जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है करंट तो करंट का मतलब क्या हुआ कि क्विक ये लिक्विड होता है जिसको आप कैश में जिसको आप कैश में बदल सकते हैं राइट ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू कैश मोर इजिल तो ये करंट एसेट का सबसे बड़ा कैरेटरिस्टिक्स है इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू कैश क्विकली ओके सो नाउ लेट सी द नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है कि कितना समय लगता है फिनिश गुड्स को बिच बिकने में एक वीक में बिक जाएगा एक मंथ में बिक जाएगा विद इन ईयर तो विद इन ईयर सही जवाब है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि इन्वेंट्री के कैटेगरी में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं फिनिश गुड्स आते हैं रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस फिनिश गुड्स आएंगे ऑफिस सप्लाई जाएंगे या मार्केटिंग मटेरियल आएंगे तो दोस्तों इन्वेंट्री में तीन चीज आएंगे रॉ मटेरियल आएंगे आपके वर्किंग प्रोग्रेस आएंगे और फिनिश गुड्स आएंगे इट इन्वेंट्री इंक्लूड्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपके पास यदि एक्सेस एसेट है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा टर्न ओवर घटेगा कैश फ्लो इंप्रूव होगा लेबिलिटी कम होगा तो दोस्तों एक्सेस एसेट होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपका टर्न ओवर कम होगा इट रिड्यूसेज योर टर्न ओवर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर राइट सो इट इट रिड्यूसेज योर टर्न ओवर दिस इज द मेन पॉइंट प्लीज रिमेंबर इट ओके सो एक्सेस एसेट हैविंग एक्सेस एसेट रिड्यूसेज योर टर्न ओवर सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव सो ना नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है सरप्लस ऑफ करंट एसेट शॉर्ट ऑफ करेंट एसेट टोटल ऑफ करंट एसेट एंड लाइबिलिटी एंड द बैंक बॉइंग तो वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है इट इज द सरपल ऑफ करंट सर इट इज द शॉर्टफॉल ऑफ करंट एसेट राइट आई थिंक इट इज़ सरप्लस देर इज अ मिस्टेक लेट मी क्लियर इट आई थिंक इट इज़ सरप्लस ऑफ करंट एसेट, मैंने अभी आपको बताया था यस यस, करेक्ट सरप्लस ऑफ करंट एसेट, नॉट शॉर्टफॉल ओके आपसे पूछा जा रहा है कि करंट एसेट का कौन सा हिस्सा है जो करंट लायबिलिटी टिपिकली फंड करते हैं तो ऑब्वियसली एक पोर्सन को फंड किया जाता है करंट एसेट के एक पोर्सन को हम लोग करंट लाइबिलिटी से फंड करते हैं राइट वर्किंग कैपिटल गैप क्या रिप्रेजेंट करता है mm. तो वर्किंग कैपिटल गैप रिप्रेजेंट करता है कि आपका करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर एंटरप्रिनर जो है अपने वर्किंग कैपिटल गैप को फाइनेंस करेंगे कैपिटल से या लॉन्ग टर्म सोर्स से जिसको हम लोग मार्जिन कहते हैं याद रखिएगा आप देखिए पॉइंट को समझिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो जो हमारे एंटरप्रिनर हैं ठीक है या वो अपने वर्किंग कैपिटल गैप के जो एक हिस्सा है उसको वर्किंग कैपिटल गैप को या लॉन्ग टर्म सोर्स को मार्जिन से फाइनेंस करेंगे राइट तो वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मला क्या हो गया सी ए करंट एसेट माइनस सी एल ओ बी सी एल ओ बी बी ठीक है तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सी के अंदर एक तो हमारा डब्ल्यू आ गया और एक हो गया सी एल माइनस बैंक बॉरोइंग तो वही चीज़ है वही फॉर्मूला है कि डब्ल्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी ए प्लस सी एल माइनस वो भी ठीक है इसमें से, इस से ये, ये सिंपल सी बात है देखिए मैं फिर से समझा दूँगा आपको लेट में, में ले, लेट में मोर्किट मोर क्लियर मैंने क्या बोला कि जैसे ये देखिए ये आपका करंट एसेट है तो इसका एक हिस्सा तो आपका करंट लाइबिलिटी से फुलफिल हो रहा है और जो बाकी बच रहा है वो वर्किंग कैपिटल गैप हो रहा है और इसमें से करंट एसेट में से कौन सा बैंक वालों को माइनस करना है तो फॉर्मुला नहीं हो जाएगा सी ए माइनस बी वी सॉरी सी एल माइनस बी वी प्लस डब्ल्यू सी जी इजिक्वल टू सी ए यानी कि डब्ल्यू सी जी का फॉर्मुला नहीं हो जाएगा सी ए माइनस सी एल सीएल ओ वी मतलब क्या हुआ करंट से रोदर दैन बैंक बोरोइंग वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मला याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मला है इस पर नुमरक आता है हर एक साल ठीक है प्लीज रिमेंबर इट अब दोस्तों ये तो वर्किंग कैपिटल गैप था अब ये नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है इट्स अ डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म सोर्स एंड यूज तो दोस्तों आपका जो लॉन्ग टर्म सोर्स है और आपका जो लॉन्ग टर्म यूज है उसको माइनस कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल इसको एनडब्ल्यू सी कहते हैं तो एनडब्ल्यू सी का फॉर्मला क्या होता है सी ए माइनस सी एल ये दूसरा डेफिनेशन है नेट वर्किंग कैपिटल का सो सो आर द द डेफिनेशन यू मस्ट रिमेंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है एनडब्ल्यू सी रिप्रेजेंट करता है मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है या लॉन्ग टर्म फंडिंग को रिप्रेजेंट करता है करंट एसेट के लिए करंट रेशियो क्या होता है करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी करंट रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करेगा करंट रेशियो यदि आपका एक से कम है तो ये अनफेवरेबल होता है जो टर्न ओवर मेथड है ना वो नायक और वाच कमिटी से के रिकमेंडेशन से आया ये क्या करता है कि ये जो नायक कमिटी है ये वर्किंग कैपिटल लिमिट एट ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द प्रोजेक्टेड गॉस सेल टर्न को कनेक्ट करता है और पाँच मिनिमम मार्जिन मेंटेन किया जाता है इसमें तो ये जो नायक कमेटी का मेथड है ये वर्किंग कैपिटल लिमिट है ट्वेंटी परसेंट प्रोजेक्टेड कैपिटल को करता है एक्सेस एंड डब्लू सी जो है बैंक के फाइनेंस लिमिट को अफेक्ट करेगा फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आपको कैप्सूल पीडीएफ ये जो हम मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूं इसकी रिक्वायरमेंट है कैप्सूल कोर्स कैप्सूल एम सी की रिक्वायरमेंट है तो मात्र नाइनटी नाइन रुपीज़ में मैं आपको एक सब्जेक्ट का कैप्सूल पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं आपको क्या करना है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना है मैं नंबर आपको शो कर देता हूँ तो मात्र नवे रुपये में आपको Uh, इसका कैप्सूल पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मैंने ध्यान में रखते हुए बनाया है कि प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उस प्रकार से मैंने सफिशेंट एम डाल रखे हैं और सफिशेंट थ्योरी भी डाल रखे हैं आपके प्रिपरेशन के लिए तो मात्र निन्यानवे रुपये में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं यदि आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि कैसे आप, आपको इसे एक्सेस करना है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किस टर्म के थ्रू हम लोग वर्किंग कैपिटल गैप के एक पार्ट को फाइनेंस करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्से उसके उस टर्म को क्या कहते हैं वाट डू वी कॉल इट दिस इज दॉ क्वेश्चन सो विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फाइनेंसिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप फ्रॉम कैपिटल और लॉन्ग टर्म सोर्सेज तो दोस्तों इसके लिए क्या इसका सही जवाब है हमारा मार्जिन ठीक है तो मार्जिन क्या होता है मार्जिन हम वर्किंग कैपिटल गैप का एक हिस्सा जो है uh, किससे कैपिटल या लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करते हैं तो इसे हम लोग मार्जिन कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा वर्किंग कैपिटल गैप को निकालने का क्या फॉर्मूला है तो वर्किंग कैपिटल गैप को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है हमारा व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल गैप सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल गैप इज Uh, अभी मैंने बताया था कि डब्ल्यू सी जी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल ओ बी बी होता है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन बी गलत है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेटवर्किंग कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट द करंट एसेट माइनस करंट लाइविलिटी ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है नेटवर्किंग uh, कैपिटल का दूसरा डेफिनेशन क्या है इट इज सी ए माइनस सी एल एनडब्लू सी क्या रिप्रेजेंट करेगा मार्जिन को या लॉन्ग टर्म फंडिंग फॉर करंट एसेट शॉर्ट टर्म लाइविलिटी ध्यान ध्यान दीजिएगा याद रखिएगा मार्जिन बोले या नेटवर्किंग कैपिटल बोले एक ही चीज है तो नेटवर्किंग कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है मार्जिन

एन डब्ल्यू सी क्या डिपेंड करता है ऑपरेशली मार्जिन को डिपेंड करता है करंट रेशियो क्या मेजर करता है तो करंट रेशियो सी अपॉन सी एल होता है ये मेज़र करता है आपके लिक्विडिटी को इट मेजर्स द लिक्विडिटी करंट रेशियो मेजर्स द लिक्विडिटी करंट रेशियो एक से नीचे परसिप कैसे किया जाता है तो याद रखिएगा करंट रेशियो जो है एक से नीचे जो है अनफेवरेबल होता है आपका टर्न ओवर मैथड का ऑरिजिन क्या है तो नायक एंड वास कमिटी का रिकमेंडेशन है अभी मैंने डिस्कस किया था टर्न ओवर मेथड क्या कैलकुलेट करता है प्रॉफिट मार्जिन को या हमारा वर्किंग कैपिटल लिमिट को तो ये वर्किंग कैपिटल लिमिट को कैलकुलेट करता है डब्ल्यू सी एल राइट तो मिनिमम मार्जिन रिकमेंडेशन कितना है टर्न मेथड के द्वारा वर्किंग कैपिटल लिमिट को निकालने के लिए तो वो है बीस मार्जिन है पाँच ठीक है मार्जिन कितना है पाँच मार्जिन का मैंने बोला था कि वर्किंग कैपिटल लिमिट का कुछ हिस्सा जो है डब्ल्यू वर्किंग कैपिटल गैप का कुछ हिस्सा आपको मार्जिन से लेना है आपको लॉन्ग टर्म सोर्स से लेना है उसी हिस्सा को हम लोग मार्जिन कहते हैं तो इनका कहाँ इनका कहना है कि बीस ये पाँच ठीक है तो एक्सेस नेटवर्किंग कैपिटल क्या इफेक्ट करता है तो ये बैंक के फाइनेंसिंग लिमिट को इफेक्ट करता है अब दोस्तों अब आगे पॉइंट को देखते हैं टर्न ओवर मेथड जो है अलग अलग कैटेगरीज में अप्लाई होता है इट अप्लाइज टू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल एक्सपोजर अब देखिए एम होता है मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस और कैश बजट सिस्टम इसमें चॉइस है ये भी मेथड है जिसके थ्रू हम लोग परमिसेबल कितना बैंक फाइनेंस करेगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं एम के माध्यम से राइट right. तो ये ये इसका चॉइस अवेलेबल है हमारे पास तो एक्चुअल ड्राइंग जो है आप ड्राइंग पावर निकालते हैं सबसे पहले फिर आप प्रोजेक्ट के एनुअल टर्न ओवर के रीज कितना रीजनेबल है वो देखते हैं अब देखिए दोस्तों क्या देखा गया है कि जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज हैं वो वो उनको लिमिट मिल जाता है उनके पी का पच्चीस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 25 परसेंट मिल जाता है और मार्जिन चाहे तो 30 परसेंट तक बढ़ जाता है एम पी क्या करता है दोस्तों कि ये वर्किंग कैपिटल को ऐसेज़ करता है बेस्ड ऑन बॉरोवर्स बिजनेस एंड इंडस्ट्री साइकिल और ये करंट एसेट और लाइविलिटी को एज पर सीएमए स्टैंडर्ड क्लासीफाई करता है करंट एसेट आइडियल कितना होना चाहिए तो वन होना चाहिए और कुछ पोटेंशियल रिलैक्सेशन के साथ तो दोस्तों पहला सवाल ये है कि किस आस्पेक्ट वर्किंग कैपिटल एक्सपोजर का कौन सा आस्पेक्ट है जहाँ पर टर्न मेथड अप्लाई होता है तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये अप्लाई होता है दोस्तों डिफरेंट कैटेगरीज में डिपेंड करता है कि वर्किंग फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल एक्सपोजर कितना है दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्या चॉइस अवेलेबल है एम के कॉन्टेक्स में तो देखिए चॉइस जो है वो डिपेंड करता है कि एम और कैश बजट सिस्टम किसे आप यूज़ करते हैं एक्चुअल ड्राइंग को कैसे डिटरमाइन किया जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो एक्चुअल ड्राइंग को आप ड्राइंग पावर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन इट इज इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ड्राइंग पावर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट Uh, कौन सा स्टेप है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट प्रोसेस में अब देखिए वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट प्रोसेस में क्या कौन सा इसमें से स्टेप है करंट रेशियो निकालना हिस्टोरिकल टर्न को रिव्यू करना वेरीफाइंग द रीजनेबलनेस ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोजेक्टेड एनुअल टर्न तो ये सही जवाब है आप अपने प्रोजेक्टेड टर्न ओवर का रीजनेबलनेस uh, कितना रीजनेबल है वो देखते हैं क्या लिमिट है एस का अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विद मार्जिन इंक्रीज फॉर डिजिटल सेल सो इट इज नथिंग बट ट्वेंटी ऑफ पी ठीक है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए दोस्तों पॉजिटिव एनडब्ल्यू सी होने का मतलब ये हुआ कि नेटवर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है इसका मतलब कि करंट एसेट आपके करंट लैबलिटी से ज्यादा है इस कारण से करंट रेशियो जो है वो वन से ज्यादा होगा निगेटिव एनडब्लू सी होने का मतलब ये हुआ कि आपका जो देखिए एनडब्ल्यू सी का फॉर्मूला जानते हैं ना एनडब्ल्यू सी होता है सी ए माइनस सी एल ये यदि नेगेटिव है इसका मतलब सीए जो है आपका सी एल से कम है ठीक है तो ये होता है इस कारण से आपका करंट रेशियो वन से कम हो जाएगा और एनडब्ल्यू सी यदि जीरो है मतलब करंट रेशियो वन होगा टर्न अवन मेथड के कारण जो करंट रेशियो आता है वो नियर अबाउट वन पॉइंट टू फाइव आता है एम पी वी एफ मेथड का जो करंट रेशियो आता है वन पॉइंट थ्री थ्री आता है ठीक है तो मॉनिटरिंग का फोकस होता है कि आप इंश्योर करें कि आपका जो फंड है उसका प्रॉपर्ली यूज हो मॉनिटरिंग क्रेडिट मॉनिटरिंग बोलते हैं ना क्यों करते हैं हम लोग क्रेडिट मॉनिटरिंग ताकि हमारा फंड का प्रॉपर्ली यूज हो फॉलोअप के अंदर आप टाइमली रिकवरी कर लें एडवांस का और अलग अलग स्टेज में कॉम्प्लाइंस को फॉलो करें सो दीज आर थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर फॉलोअप फॉलोअप का क्या मीनिंग है वो वो यहाँ देख सकते हैं आप फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका टर्न में यदि कमी आएगा वो इंडिकेट करता है स्टिकी टेंडेंसी एक होता है एमएसओडी एमएसओडी क्या होता है मंथली सेलेक्ट ऑफिशियल डेटा ये रिक्वायर्ड नहीं होता है ट्रेडिंग यूनिट के लिए एमएसओडी एप्लीकेबल नहीं होता है वैसे यूनिट के लिए जिनका वर्किंग कैपिटल जो है दस लाख से कम है ठीक है पहला क्वेश्चन एनडब्ल्यू सी जो है पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि करंट करंट रेशियो आपका एक से ज्यादा है ठीक है फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनडब्ल्यू सी नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ कि एनडब्ल्यू सी निगेटिव होने का मतलब कि करंट रेशियो आपका एक से कम है ठीक है एनडब्ल्यू सी जीरो होने का मतलब कि करंट रेशियो एक के बराबर है करंट uh, रेशियो जो है वाट करंट रेशियो डज द हाँ तो मैंने बोला था आपको कि टर्न ओवर मेथड में जो करंट रेशियो होता है वो अराउंड 1.25 होता है सो इट इज अराउंड 1.25 परसेंटेज प्लीज रिमेंबर इट ओके सो इट इज अबाउट वन पॉइंट टू फाइव परसेंट करंट वाट करंट रेशियो डज एम पी वी एफ असेसमेंट टिपिकली रिजल्ट इन तो एम पी वी एफ असेसमेंट का जो करंट रेशियो होता है वो ऑब्वियसली वन पॉइंट थ्री थ्री के अक्रॉस होता है प्राइमरी फोकस का मॉनिटरिंग का प्राइमरी फोकस क्या होता है ये इंश्योर करता है कि आपके एंड यूज ऑफ फंड जो है प्रॉपर हो ठीक है फॉलोअप uh, का मेन इंफेसिस क्या है कि आपका एडवांस का टाइमली रिकवरी हो और कॉम्पलाइंस हो अलग अलग स्टेजेज में एम uh, एस के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किया अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी को आप बैकअप के रूप में यूज करते हैं लोन डिफॉल्ट होने के केस में एक जो मेथड है चार्ज क्रिएट करने का वो प्रॉपर्टी और उसके नेचर पे डिपेंड करता है अब देखिए दोस्तों चार्ज क्रिएशन के बारे में बताया जा रहा है कि चार्ज क्रिएशन एक तरीका है आप एक लोन को सिक्योर कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट के माध्यम से प्रॉपर्टी के माध्यम से डेप्ट के माध्यम से जो ट्रांसफर है उसमें एक असाइनर होता है एक असाइनिंग होता है चार्ज का मतलब होता है कि ट्रांसफर या आप एसेट को एसेट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं सेट ऑफ जो है डेटर और क्रिएटर के अकाउंट को कंबाइन करता है राइट ऑफ सेट ऑफ एक स्ट्रेटी हो सकता है या एग्रीड अपॉन हो सकता है हाइपोथिकेशन क्या करता है कि फ्लोटिंग एसेट में इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है बोरोवर जो है हाइपोथिकेटेड हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि जो एसेट जो है जिस भी एसेट का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें उसका पॉइजन किसके पास रहेगा उसका पॉइजन रहेगा बोरो के पास प्लीज रिमेम्बर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है द पॉजिजन इज विद द बोरो ओ सीसी के सीसी एंड वैकिल लोन ये सभी हाइपोथिकेशन को यूज करते हैं चार्ज को क्रिएट करने के लिए राइट right? क्योंकि बोरोवर के पास पॉइजन रहता है गुड्स को यदि आप यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी के रूप में तो उसे ब्लेज करते हैं जिसी में चार्ज जो होता है वो इंप्लाइड प्लेज होता है राइट तो गुड्स को आप सिक्योरिटी के रूप में यूज कर रहे हैं तो प्लेज हो गया पहला सवाल है कि आप क्या प्राइमरी परपज है सिक्योरिटी लेने का लोन के कॉन्टेक्स्ट में तो मेन है कि इसको आप बैकअप के रूप में यूज करेंगे यदि लोन डिफॉल्ट हो जाए कैसे क्रिएटिंग अ चार्ज का मेथड क्या है तो आप लेंथ ऑफ लोन टाइप ऑफ तो ऑब्वियसली टाइप ऑफ प्रॉपर्टी नेचर के बेसिस पे आप चार्ज के मैथड को डिसाइड करते हैं ऑप्शन बी सही जवाब है चार्ज क्रिएशन लोन के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है तो चार्ज क्रिएशन एक तरीका है जिसके थ्रू आप लोन को से सिक्योर कर सकते हैं राइट right के ट्रांसफर से प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से या डेप्ट के ट्रांसफर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ, क्या इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ राइट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ डेप्ट में इन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्ज क्रिएशन असा이너 और असाइनी इन्वॉल्व होते हैं चार्ज का मतलब क्या होता है चार्ज का मतलब होता है कि आप जो है एसेट इंटरेस्ट क्रिएट किए जो जिसका एसेट अलग-अलग एसेट का नाम अलग-अलग रखा गया जैसे हाइपोथिकेशन प्लीज राइट दीस आर द डिफरेंट नेम्स Uh, जो हमारा सेटअप का प्रोसेस होता है वो डेटर और क्रेडिटर के कॉन्टेक्स्ट में क्या इन्वॉल्व होता है मार्जिन द अकाउंट इनटू वन क्लोजिंग द डेटर अकाउंट इसे मैंने आपको बताया था ना कि जो है आप डेटर के डेप्ट को उसके क्रेडिट से कॉम्पेसेट करते हैं ऑप्शन डी सही जवाब है राइट ऑफ सेटअप को कैसे स्टैब्लिश करेंगे तो इसको आप इस्टैब्लिश करेंगे स्टेटूटरी या म्यूचुअल एग्रीमेंट से प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हाइपोथिकेशन का इन ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट इन एसेट तो प्राइमरी कररेक्टरिस्टिक्स हाइपोथिकेशन का कि बॉवर रिटेन पॉइजन ऑफ द हाइपोथिकेटेड एसेट चार्ज क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह का लोन टिपिकली हाइपोथिकेशन को यूज करता है मैंने बताया था ओसीसी केसीसी और वेकल लोन जो है हाइपोथिकेशन को यूज करता है आ, गुड्स को आप यदि सिक्योरिटी के रूप में यूज कर रहे हैं लोन के कॉन्टेक्स्ट में तो क्या टर्म यूज करते हैं तो गुड्स के केस में प्लेज को प्लेज टर्म यूज करते हैं इंप्लाइड पे प्लेज जो है किस तरह के लोन में चार्ज होता है तो मैंने बताया था के यानी किसान क्रेडिट कार्ड में इंप्लाइड पेज चार्ज होता है दोस्तों गोल्ड ज्वेलरी लोन जो है प्लेज को यूज करता है चार्ज के रूप में प्लीज रिमेंबर फिर दोस्तों प्लेस के अंदर गुड्स को सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है फॉर अ डेफ्ट और प्रॉमिस इस यह आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अठारह के अंदर पॉनर जो है गुड्स प्रोवाइड करेगा पॉनी उसको रखेगाज जो है प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है लोन या ऑब्लीगेशन के लिए मॉडगेज के अंदर मॉडगेज डीड होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शॉर्ट में से टीपी बोलते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर को गवर्न करता है टीपी एक्ट के अंदर वॉलंट्री ट्रांसफर आएगा जो लॉ लॉ के द्वारा ऑपरेशन है वो नहीं आता है सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन फर्दर टीपी एक्ट जो है लिविंग uh, पर्सन के बीच में जो ट्रांसफर होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है इसके अंदर इनहेरिटेंस इंसॉल्वेंस फॉर या डेक्री बेस्ड ट्रांसफर को एक्सक्लूड किया गया है टीपी एक्ट जो है इमोवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन को गवर्न करता है टीपी एक्ट जो है प्रॉपर्टी डिस्पोजल बाय विल और प्रॉपर्टी सक्सेशन को कवर नहीं करता पहला सवाल किस तरह के लोन में प्लेस को चार्ज के रूप में यूज किया जाएगा पर्सनल लोन मॉडेज लोन तो ऑब्वियसली सही जवाब है गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी लोन क्योंकि मैंने बताया था प्लेस राइट यहाँ पे मूवेबल आर्टिकल्स होते हैं इस लोन के कॉन्टेक्स्ट में प्लेज क्या आता है तो प्लेज में दोस्तों गुड्स को आप सिक्योरिटी के रूप में यूज करते हैं डेप्ट और प्रोमिस के लिए यह है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अठारह सौ बहत्तर कौन गुड्स को प्लेज में हु प्रोवाइड गुड्स इन अ प्लेज एंड हु टेक्स दम तो गुड्स कौन प्रोवाइड करेगा पॉनर गुड्स प्रोवाइड करेगा और पॉनी उसे लेगा मॉडगेज जो है क्या इन्वॉल्व होता है वट डज मॉडगेज इन्वॉल्व इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोन तो मॉडगेज में दोस्तों मैंने बताया था कि मोएबल प्रॉपर्टी होता है मॉडगेज एम से याद रखिए एम से मोएबल प्रॉपर्टी ऐसे याद रख सकते हैं मॉडगेज को क्या कंपनी करता है प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में तो मॉडगेज को मॉडगेज डीड डी करता है कौन सा एक्ट है जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर को गवर्न करता है तो मैंने बताया था कि इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अठारह है किस तरह का ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर को किया जाता है लॉ के ऑपरेशन के द्वारा जो ट्रांसफर होता है उसको नहीं कवर किया जाता किस तरह के ट्रांसफर में टीपी एक्ट अप्लाई होता है मैंने बताया था कि लिविंग पर्सन के बीच में जो होता है ट्रांसफर उसमें ही अप्लाई होता है किस तरह के ट्रांसफर को एक्सक्लूड किया गया है टीपी एक्ट से तो इनहेरिटेंस इंसॉल्वेंसी फॉर

मॉडगेजी जो है प्रॉपर्टी बेच सकता है यदि जरूरी लगे तो अब एक, तो एक होता है बाय कंडीशनल सेल इसमें कंडीशन होता है कि सेल हो 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 जाएगा वाइड हो जाएगा हो जाएगा वाइड या प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेमेंट के बेसिस पे राइट ये होता है हमारा कंडीशनल सेल फिर नेक्स्ट है ने ट्रांसफॉर्मेशन टू सेल कैन बी इन्फोर्स थ्रू अ फोर क्लोजर फोर क्लोजर सूट यूसुफ फ्रक्चुअल क्या करता है क्रेडिटर को कि वो प्रॉपर्टी को पॉजेस करे रेंट के माध्यम से प्रॉफिट के माध्यम से फॉर इंटरेस्ट और मॉडगेज पेमेंट इंग्लिश मॉडगेज के अंदर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा मॉडगेजी को और एक रिकनवींस प्रोविजन रहेगा अपॉन फुल पेमेंट पहला क्वेश्चन है कि सिंपल मॉडगेज में मॉडगेजर का क्या कमिटमेंट रहता है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी पॉजिजन मॉडगेजर जो है प्रॉपर्टी पॉजिशन को गिवअप कर देता है मॉडगेजर रिटेन करता है मॉडगेजर ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी को या बेच सकता है तो मॉडगेजर जो है रिटेन करता है प्रॉपर्टी पॉजिजन ठीक है तो मॉडगेज क्योंकि देखिए मॉडगेज में इमोबल मोवेबल प्रॉपर्टी आता है सो so, रिटेन Uh, क्या कंडीशन है मोटिगेज बाई कंडीशनल देखिए मोटिगेज बाई कंडीशनल सेल में कंडीशन क्या होता है तो कंडीशन ये होता है कि सेल एब्सोल्यूट होगा वाइड होगा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बेस्ड ट्रांसफर ऑन पेमेंट ठीक है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन टू सेल को इन्फोर्स कर सकते हैं मॉडगेज कॉन्टेक्स में एक फोर क्लोजर सूट के माध्यम से यूसिफ फ्रक्च्युरी मॉडगेज क्या अलॉ करता है जिस क्रिएटर को करने के लिए प्रॉपर्टी के साथ तो यूसिफ फ्रक्चुरी मॉडेज तो प्रॉपर्टी को पॉजेज कर सकते हैं और रेंट और प्रॉफिट को यूज कर सकते हैं इंटरेस्ट और मॉडगेज पेमेंट के लिए इंग्लिश मॉडगेज का प्राइमरी कैरेटिस्टिक्स क्या है तो इंग्लिश मॉडगेज में मॉडगेजी जो होता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है मॉडगेजी को एक रिकन्वीनियंस प्रोविजन के द्वारा एकटेबल मॉडगेज टाइटल डीड को यूज करता है सिक्योरिटी के सिक्योरिटी के लिए रिवर्स मॉडगि जो है टैक्स फ्री इनकम प्रोवाइड करता है ओल्डर इंडिविजुअल को और मॉडगिज बैक लोन इसको एमबीएल कहते हैं इस कारण से फोर क्लोजर हो जाएगा यदि डेटर जो है पे नहीं कर पाता है टाइमली दोस्तों डीड ऑफ असाइनमेंट ट्रांसफर ऑनरशिप और राइट फ्रॉम वन पार्टी और टून अदर तो डीड ऑफ असाइनमेंट होता है वो क्या करता है कि ऑनरशिप या राइट right को एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ट्रांसफर करता है असाइनमेंट क्या होता है दोस्तों तो असाइनमेंट इज यूज एज चार्ज फॉर लोन अगेंस्ट बुक डेप्ट तो बुक डेप्ट के अगेंस्ट या इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट किया जाता है उसे हम लोग असाइनमेंट कहते हैं डेटर जो है पेमेंट को अप्रोप्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल डेट के लिए सो डेटर कैन अप्रोप्रिएट द पेमेंट फॉर मल्टीपल डेप्ट लीन एक क्रेडिटर का कॉलेटरल राइट right होता है कि वो जिससे वो डेप्ट पेमेंट को क्या करता है सिक्योर करता है लीन को आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं सो अ लीन कैन बी स्टेब्लिश थ्रू कोर्ट ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर स्टेब्लिश कर सकते हैं क्रेडिटर जो है एसेट को सीज कर लेंगे यदि बॉरो अपने ऑब्लीगेशन को मीट नहीं करता एक लीन एंश्योर करता है कि अंडरलाइंग ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया जाएगा जैसे कि लोन रिपेमेंट किस सिटी में इक्विटेबल मॉडगेज कॉमनली यूज किया जाता है सिक्योरिटी के लिए तो ऑल सिटी सेलेक्टेड सिटी रूरल एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया तो दोस्तों मैंने बताया था कि सेलेक्टेड सिटी में ही यूज किया जाता है रिवर्स मॉडगेज ओल्डर इंडिविजुअल को क्या प्रोवाइड करेगा तो टैक्स फ्री इनकम प्रोवाइड करेगा विद लैंडर पेइंग दैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा मॉडगेज बैक लोन का यदि डेटर पे नहीं करता है तो डेटर ऑप्शन नहीं कर रहा है कि डेटर रीनेगोशिएट री कर लेगा टर्म ऑफ लोन को डेटर रिसीव करेगा लोअर इंटरेस्ट रेट तो इस कारण से क्लोजर हो जाएगा डीड ऑफ असाइनमेंट क्या करता है तो डीड ऑफ असाइनमेंट क्या करता है कि जो ऑनरशिप है या जो राइट right है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असाइनमेंट को कॉमनली किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है लोन के चार्ज के लिए तो लोन अगेंस्ट बुक डेप्ट और इंश्योरेंस पॉलिसी को हम लोग असाइनमेंट कहते हैं डेटर क्या कहता है रिगार्ड टू पेमेंट फॉर मल्टीपल डेप्ट तो डेटर क्या करेगा दोस्तों डेटर अप्रोप्रिएट पेमेंट फॉर मल्टीपल डेप्ट लीन क्या होता है डेप्ट के कॉन्टेक्स्ट में तो लीन बेसिकली एक लीगल क्लेम होता है प्रॉपर्टी पे एज कलेक्ट्रल फॉर सिक्योरिंग डेप्ट पेमेंट डेप्ट पेमेंट को सिक्योर करने के लिए एक लीगल क्लेम होता है प्रॉपर्टी पे जिसको हम लोग लीन बोलते हैं हाउ कैन लीन भी इस्टैब्लिश तो लीन को इस्टैब्लिश करने के लिए कोर्ट ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं आप क्रेडिटर क्या करेगा यदि बॉडोर अपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं करता है तो वो एसेट को सीज कर लेगा अपने डेप्ट को सेटिस्फाई करने के लिए लीन uh, क्या इंश्योर करता है अंडरलाइंग ऑब्लिगेशन के कॉन्टेक्ट में ये इंश्योर करता है कि जो हमारा अंडरलाइंग ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल होगा जैसे कि लोन का रिपेमेंट होगा डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और एक वैलिड चार्ज को इस्टैब्लिश करते हैं बैंक के लिए एक डॉक्यूमेंट पार्टी एक अटेस्टिंग विटनेस नहीं हो सकते हैं अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है जब भी मैंडेटरी हो तब किसी नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को अटेस्ट करना में स्टाम्प ड्यूटी लगता है विटनेस को अटेस्ट करने में विटनेस और रिसीविंग एक्नोलॉजमेंट ऑफ एजुकेशन रेवेन्यू स्टाम्प जो है नेबरिंग स्टेट से ऑपरेंट कर सकते हैं रेवेन्यू स्टाम्प जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर होता है यूजेस डिपेंड करता है गवर्नमेंट बैंक पर दोस्तों जो हमारे अंडर स्टाम डॉक्यूमेंट होते हैं ये ये कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होते हैं जो प्रॉपर्टी एफिक्स प्रॉपर्टी एफ, एफ, एफिक्स करता है रेवेन्यू स्टार्म को विद स्टेट एल्बम लिमिटेशन लॉ क्या करता है दोस्तों कि जो हमारे लीगल एक्शन है ना उनके लिए टाइम फ्रेम सेट करता है जैसे कि देखिए जो भी सूट फाइल होगा प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद उसको डिसमिस किया जा सकता है और इसमें स्टार्टिंग डेट को एक्सक्लूड किया जाता है जब भी आप लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करेंगे जैसे एजुकेशन लोन है इसका लिमिटेशन स्टार्ट कब से होता है जब से रिपेमेंट कॉमेंस हुआ एजुकेशन लोन जैसे माइनर को दिया गया इसमें एओडी या एलओआर चाहिए स्टूडेंट से भी और गार्जियन से भी राइट right. उसके बाद दोस्तों इसमें कौन सा पीरियड एक्सक्लूड होता है इट एक्सक्लूड द पीरियड एब्रोड वाइल कैलकुलेटिंग द लिमिटेशन पीरियड यानी कितने दिन बाहर थे विदेश में थे उसको आपको एक्सक्लूड करना है ये लोकल लॉ को फॉलो करेगा जब आप एओडी को ऑप्टेंड करेंगे बेस्ड ऑन बोरो रेजिडेंट्स तो पहला सवाल ये है कि अंडर स्टाउन डॉक्यूमेंट का एडमिसिबिलिटी का क्या स्टेटस है तो इसे एडमिसिबल है नहीं तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट रेवेन्यू स्टार्म को कैसे फिक्स किया जाएगा फॉर प्रॉफिट वैलिडिटी तो इसमें दोस्तों आपको स्टेट एल्बम को एफिक्स किया जाएगा लिमिटेशन लॉ टाइम फ्रेम क्यों सेटअप किया क्या क्या सेटअप किया गया तो इलीगल एक्शन के लिए वाट कैन हैपन टू सूट आफ्टर द प्रिस्क्राइब लिमिटेशन पीरियड तो प्रिस्क्राइब उसको डिसमिस कर सकते हैं आप लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करने में क्या एक्सक्लूड करना है तो पहले डेट को स्टार्टिंग डेट को एक्सक्लूड करना है लिमिटेशन पीरियड जो एजुकेशन लोन का होता है वो कब स्टार्ट होता है चीज़ से डिसबर्समेंट हुआ क्या रिक्वायरमेंट होता है एजुकेशन लोन का माइनर के लिए तो माइनर के लिए ए ओडी एलोआर चाहिए स्टूडेंट्स से और गार्जियन से किस चीज़ को एक्सक्लूड किया जाएगा जब आप लिमिटेशन पीरियड को लोन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पीरियड एब्रोड एब्रोड कितने दिन थे उसको एक्सक्लूड किया जाएगा अब एओडी जो है पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस जो कि बैंकर के द्वारा विटनेस किया गया उसे आपटेंड कर सकते हैं दोस्तों जो बिल एक्सचेंज साइट पे पेबल होता है साइट मतलब समझते हैं ना अपॉन प्रेजेंटेशन उसके लिए लिमिटेशन पीरियड कितना है तीन साल का है अब देखिए थोड़ा मैं लिमिटेशन पर बता देता हूँ कितना है दोस्तों तीन साल का है साइट पेमेंट पे यूजांस बिल ऑफ एक्सचेंज का लिमिटेशन पीरियड तीन साल का है गारंटी के, के केस में जो लिमिटेशन पीरियड है वो भी तीन साल है मॉडगेज इन्फोर्समेंट के केस के 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 में जो लिमिटेशन पीरियड है वो बारह साल का है जब से पैसा ड्यू हो जाए मॉडगेज फोर क्लोजर के केस के के में यहाँ पर बारह साल का लिमिटेशन है इमोबल प्रॉपर्टी के पोजिजन में थर्टी इयर्स का लिमिटेशन है तो इमोबल प्रॉपर्टी में थर्टी इयर्स का पॉजिशन है यदि कोर्ट लिमिटेशन पीरियड के दिन क्लोज हो रहता है ठीक है या सूट या पिल के दिन क्लोज रहता है तो जब कोर्ट री ओपन होगा तब यह एप्लीकेशन को फाइल किया जाएगा और कैश क्रेडिट अकाउंट का जो लिमिटेशन पीरियड है वो तीन साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है लास्ट क्रेडिट और डेबिट एंट्री के दिन से ठीक है पहला क्वेश्चन है एओडी यानी एक्नोजमेंट ऑफ डेट कहाँ से ऑप्टेन किया जाएगा तो इसको आप पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंट से ऑप्टेन कर सकते हैं जो कि बैंकर एब्रूड के द्वारा विटनेस किया गया हो एओडी का टाइम स्टाम टाइम फ्रेम क्या है स्टाम्पिंग का तो विद इन थ्री मंथ डिमांड फ्रॉम डीपीएन डीपीएन का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है डीपीएन का लिमिटेशन पीरियड होता है तीन साल का बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि साइट है तीन साल का यूजांस बिल ऑफ एक्सचेंज का लिमिटेशन पीरियड कितना है तीन साल का जब से ड्यू डेट हो रहा है गारंटी का लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है जिस दिन से इन्वोकेशन स्टार्ट हो गया उसी दिन से लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाता है मॉर्गेज इन्फोर्समेंट का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है जब जब पेमेंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है तो बारह साल होता है फोर क्लोजर का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है ये भी बारह साल होता है नेक्स्ट है कि पॉइजन ऑफ इमोरियल प्रॉपर्टी का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है थर्टी ईयर्स क्या होगा यदि कोर्ट जो है लिमिटेशन पीरियड के स्टार्टिंग डेट पे क्लोज है तो यदि कोर्ट क्लोज रहती है दोस्तों सो so, यदि कोर्ट क्लोज रहती है तो उस केस में लिमिटेशन पीरियड सूट या अपील या एप्लीकेशन जो है फाइल किया जाएगा जब कोर्ट री ओपन होगा कैश क्रेडिट अकाउंट का लिमिटेशन पीरियड क्या होता है तो इसका लिमिटेशन पीरियड है तीन साल का जिस दिन से लास्ट क्रेडिट या डेबिट हुआ और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्यू ऑन लोन इज नॉट कंसिडर्ड आरबीआई ने दोस्तों प्रोडेंशियल नॉर्म्स लाया है इनकम रिकॉग्निशन के लिए एसेट क्लासिफिकेशन के लिए और प्रोविजनिंग के लिए इनकम रिकॉग्निशन ऑब्जेक्टिव होगा रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी पे बेस्ड होगा एसेट क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को फॉलो करेगा यूनिफॉर्म एप्लीकेशन के लिए सो दीज आर द पॉइंट वी विच वी नीड टू कीप इन माइंड नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि नॉट ओवरड्यू इंटरेस्ट या ए, प्रिंसिपल फॉर मोर देन टर्म लोन के केस में यदि हमारा ऑवरड्यू इंटरेस्ट जो है नब्बे दिन से ज्यादा या प्रिंसिपल नब्बे दिन से ज्यादा ऑवर ड्यू है तो वो एनपीए में चला जाएगा ठीक है ओडीसी सी का क्राइटेरिया क्या है जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तब एनपीए कल आएगा मान लीजिए कि बिल परचेज है या बिल डिस्काउंटेड है उस केस में यदि बिल ऑवर ड्यू नब्बे दिन से ज्यादा हो जाता है तो एनपीए में चला जाता है यदि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यदि दो क्रॉप सीजन तक ऑवर ड्यू है तो एनपीए में चला जाएगा यदि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट यदि ऑवर ड्यू है तो वन

कौन सा फैक्टर है जो कि एसेट के प्रोविजनिंग को डिटरमाइन करता है बैंक में तो जिसमें एसेट क्लासिफिकेशन टाइम नॉन परफॉर्मिंग एंड सिक्योरिटी वैल्यू आरबीआई के अनुसार कौन सा क्राइटेरिया एनपीए को डिफाइन करता है तो ऑवर प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल फॉर मोर देन 90 डेज टर्म लोन फॉर मोर देन नाइनटी डेज प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑवर ड्यू फॉर टू क्रॉप सीजन क्रॉप तो दोस्तों देखिए इसमें सही जवाब है ये सभी के सभी हैं एन देखिए एन टर्म लोन का कब होता है यदि इंटरेस्ट ऑवर ड्यू जो है नब्बे दिन से ज़्यादा हो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस जो है सैक्संग लिमिट से ज़्यादा हो गया है नब्बे दिन तक आउट ऑफ ऑर्डर यदि मान लीजिए क्रेडिट ही नहीं है तो उस केस में आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आप इंटरेस्ट को नब्बे दिन तक कवर कर रहे हैं ऑवर ड्यू का मतलब कि यदि पेमेंट आपने ड्यू डेट तक दिया ही नहीं है तो एन पे कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं होगा इंक्लूडिंग गवर्नमेंट गारंटी अकाउंट जो सर्टेन एडवांस होते हैं उन भी जो इंटरेस्ट होता है उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ड्यू डेट पे। जो फी और कमीशन है डेफ्टी नेगोशिएशन का वो रिकॉग्नाइज होता है ओवर द टाइम पहला सवाल है कि टर्म लोन को कैसे क्लासिफाई करेंगे एनपीए में तो मैंने बताया था कि नब्बे दिन से ज्यादा ऑवर हो जाए प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ऑवर हो जाए तो उस केस में होता है नेक्स्ट है कि आउट ऑफ ऑर्डर कैसे क्लासिफाई करेंगे आर के नॉर्म्स के अनुसार तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो आपका बैलेंस जो लिमिट है सैक्शन लिमिट से ज्यादा हो जाए तो उस केस नब्बे दिन तक तो उसको हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर मान लेते हैं अब मान लीजिए कि आप क्रेडिट है ही नहीं खाते में केवल इंटरेस्ट कवर कर रहा है तो उस केस में आउट ऑफ ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि कोई इंटरेस्ट इन, कोई क्रेडिट इंटरेस्ट नहीं हो नब्बे दिन तक तो उस केस में वैसा होगा लोन को आप ओवरड्यू कब क्लासीफाई करते हैं तो लोन को ओवरड्यू तब क्लासीफाई करते हैं जब पेमेंट जो है ड्यू डेट तक नहीं किया गया हो इसको हम लोग ओवर बोलते हैं आप इंटरेस्ट इनकम को कैसे ट्रीट करेंगे नॉन फार्मिंग एसेट का एज पर आरबीआई बी आई गाइडलाइन तो नो इंटरेस्ट इनकम इज रिकोगनाइज एज एन पी ए इंक्लूडिंग गवर्नमेंट गारंटी अकाउंट कैसे फी और कमीशन जो है डेट री को रिकॉग्नाइज किया जाता है आरबीआई बी आई गाइडलाइन के अनुसार तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब रीनेगोजिएशन फुली कंप्लीट हो जाएगा तो तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं उसके बेसिस पे एम हैं यदि आप इस पी को ऑप्टेन करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको सिंपली नाइनटी पे करना है और इस पार्टिकुलर पी को आप एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आपको फॉर्मुला पी भी मिल जाएगा मॉड्यूल वाइज कोई रिविजन पी भी मिल जाएगा जिसको हम लोग कैप्सूल कोर्स करते हैं तो विशेष जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस पार्टिकुलर कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद